आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का एमसीक्यूज जो कि अगस्त महीने का होने वाला है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला भी था जो हमारा वीकली सेशन था उसमें कि हर महीने जितने भी हम लोग वीकली सेशन कंप्लीट करते हैं तो मंथ के एंड में यानी कि उस महीना पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम लोग पूरे महीने का एक बार फटाफट रैप अप करेंगे एमसीक्यू बेस पे। तो आपका वन डे एग्ज़ाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी तैयार हो जाएगा, आपने जो वीकली सेशन में पढ़ा है वो भी तैयार हो जाएगा। तो वीकली सेशन डिटेल में पढ़ते रहिएगा, साथ में आपका बहुत अच्छे से तैयारी होते रहेगा प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, छत्तीसगढ़ में जितने प्रतियोगी परीक्षा होते हैं उन सब के लिए भी। और इस एमसीक्यूज के माध्यम से आपका बेहतर तरीके से रिविज़न होते रहेगा। दोनों ही सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत करना कि वीकली देख लिए तो इसको ना देखे, या फिर ये भी मत करना कि इसको देख लिए तो वीकली ना देखे। तो बेहतर करंट अफेयर तैयारी के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है और मैं बहुत दिन से प्लान भी कर रहा था कि एक एमसीक्यू सीरीज़ होना चाहिए। तो बहुत कुछ सोच समझ कर इस एमसीक्यू सीरीज़ को चलाया गया ताकि आपका बेहतर तरीके से करंट अफेयर तैयार हो सके। और दोनों अगर हम लोग कर लेते हैं वीकली और इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका रिविज़न भी हो जाएगा, आप चीज़ों को भूल भी नहीं पाओगे और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से याद भी रख सकते हो, लंबे समय तक रख पाओगे। ठीक है, तो चलिए अगस्त महीने का हम आज शुरू कर रहे हैं। इसके बाद सितंबर का वीकली सेशन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद सितंबर के आखिरी में हम, या फिर सितंबर जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम सितंबर महीने का कर लेंगे और पिछले महीने का जो बचा हुआ है जुलाई जून मई उसका भी हम लोग बीच बीच में कभी ना कभी कर लिया करेंगे तो हम बेहतर तरीके से सब कुछ रिवाइज़ कर पाएंगे। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इंदिरा वन मितान योजना संबंधित है, तेंदुपत्ता संग्राहकों की सामाजिक सुरक्षा, वन ग्रामों में स्व सहायता समूहों के स्वावलंबन, मुफ्त स्वास्थ्य सुरक्षा, या फिर इनमें से कोई नहीं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दूंगा, 4 से 5 सेकंड, आप लोग अगर इसके बारे में पढ़ रखे हो, क्योंकि मैंने पढ़ाया है तो मैंने बोला ना वीकली सेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे देखने के अलावा आप लोग वीकली सेशन को भी ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, सोच लिया, तो इसका सही जवाब होगा वन ग्रामों में स्व सहायता समूहों के स्वावलंबन हेतु घोषणा किया गया है इंदिरा वन मितान योजना का। ये घोषणा किया गया है विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर। नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। इस योजना का उद्देश्य है वनांचल ग्रामों में रहने वाले युवाओं को स्वावलंबन बनाने का और स्व सहायता समूहों को स्वावलंबन बनाने का। जितने भी वनांचल क्षेत्र में हैं वन प्रबंधन का अधिकार इनको दिए जाने की बात कही गई है इस योजना में। ध्यान रखिएगा ये योजना भी शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ एक घोषित योजना है। और एक बात याद रखिएगा, इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 19 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। तो इंदिरा वन मितान योजना के बारे में इतने पॉइंट्स को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जो भी क्वेश्चन यहाँ मैं डिस्कस करता हूँ उसे मैं जो है बता दे भी चलूँगा ताकि थ्योरी भी आपका थोड़ा बहुत हो जाए, आप बेहतर तरीके से रिवाइज़ भी कर पाओ और गेस भी कर पाओ। चलो, यहाँ पर पहला जो ऑप्शन था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तेंदुपत्ता संग्राहकों की सामाजिक सुरक्षा। क्यों? क्योंकि इनके सामाजिक सुरक्षा के लिए भी हाल ही में एक योजना शुरू की गई है। किन के नाम पर यह योजना शुरू की गई है याद कीजिए, शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर इस योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना। और उस योजना की शुरुआत उनके जन्मदिवस के अवसर पर ही की गई है और इस योजना के तहत 12 लाख परिवारों को जो है वो लाभ पहुंचाया जाएगा। और यह योजना जो है एक बीमा योजना है। दो योजना यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा अनुसूचित जनजाति और अनपरंपरागत वनवासी अधिनियम किस वर्ष लाया गया। हालांकि यह अधिनियम संसद द्वारा पारित है लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ में यह अधिनियम क्यों चर्चित है? तो सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन देख लेते हैं, 2004, 2005, 2006 या फिर 2012। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब जो होगा 2006 में इस अधिनियम को लाया गया था। और इस अधिनियम को लाए जाने के पीछे का उद्देश्य क्या था? तो इस अधिनियम को लाए जाने के पीछे का उद्देश्य जो वनवासी लोग हैं या फिर जो वनांचल एरियो में रहते हैं या फिर आप उन्हें आदिवासी लोग, आदिवासी भी कह सकते हो, ठीक है, तो इनको वनों का अधिकार दिया जा सके। जैसे छत्तीसगढ़ में आप देखते हो ना कि वन अधिकार हेतु पत्र वितरित किया गया या छत्तीसगढ़ सर्वाधिक वन अधिकार का पत्र वितरित करने वाला राज्य बना, ये सब हमने कई बार पढ़ा है। तो सब पत्र जो है वनाधिकार आदिवासियों को कौन से अधिनियम के तहत दिया जाता है? तो इसी अधिनियम के तहत दिया जाता है। ठीक,
क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोधा दादर पर्यटन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? कवर्धा, मुंगेली, राजनांदगांव या फिर बिलासपुर? चलिए बताइए सही जवाब क्या है। सही जवाब इसका है आपका कवर्धा, जिसे हम कबीर धाम के नाम से भी जानते हैं। क्यों चर्चा में है? आपको याद है स्वदेश दर्शन योजना हमने पढ़ा था। स्वदेश दर्शन योजना के तहत आदिवासी परिपथ की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आदिवासी परिपथ की शुरुआत हुई थी आपका छत्तीसगढ़ से ही। और हाल ही में आदिवासी परिपथ के तहत 3 इको टूरिज़्म रिसोर्ट की जो है लोकार्पण छत्तीसगढ़ में किया गया है। और 3 इको टूरिस्ट रिसोर्ट का जो लोकार्पण किया गया है, एक आपका कबीरधाम में किया गया है, दूसरा आपका बिलासपुर में किया गया है और तीसरा आपका कोंडागांव में किया गया है। तो ये जो है कवर्धा का सरोधा दादर है। सरोधा दादर एरिया पर्यटन क्षेत्र है जहाँ पर आदिवासी, जहाँ पर जो है इको टूरिस्ट रिसोर्ट का लोकार्पण हाल ही में किया गया है। तो इस तरह से आप, और स्वदेश दर्शन योजना कब शुरू किया गया था बताइए? चलिए मैं बता देता हूँ, इसकी शुरुआत हुई थी 2015 और 16 के बजट भाषण में इसका अनाउंसमेंट किया गया था। और इसके तहत में परिपथ आधार पर टूरिज्म प्लेसेस को डेवलप किया जा रहा है, जिसमें लगभग टोटल 15 परिपथ हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ में अभी 2 परिपथ पर विकास का काम शुरू हो चुका है। एक है आपका रामायण परिपथ और दूसरा है आपका आदिवासी परिपथ। और रामायण परिपथ के तहत जगदलपुर जिला को शामिल किया गया है और रामायण परिपथ के तहत छत्तीसगढ़ का यह एकमात्र जिला शामिल है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पालिका निगम क्षेत्र में वन भूमि का आवंटन आम लोगों के लिए किस जिले ने किया? सरगुजा, गरियाबंद, सुकमा या फिर जगदलपुर? चलिए इसका आंसर बताइए। ठीक है, चलिए मैं बताऊँ। चलिए इसका आंसर जो है वो होगा जगदलपुर। जगदलपुर पूरे देश का पहला ऐसा शहर बन गया है या फिर पहला ऐसा म्यूनसिपैलिटीज एरिया बन गया है, यानी कि नगर पालिका या नगर निगम जो भी कह लो, वो ऐसा क्षेत्र बन गया है पूरे देश का, या फिर पहला ऐसा शहर कह लो जिसने वन भूमि का आवंटन जो है वो किसी शहर को दिया गया है। तो इस तरह से याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन जो है उस अधिनियम से जुड़ता है, वन अधिकार वाला जो मैं 2006 वाला अधिनियम बताया उससे रिलेट करता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। और वन अधिकार देने के मामले में, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, वन अधिकार पत्र देने के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में सर्वप्रथम स्थान पे है, यानी कि पहले स्थान पे है। अब तक 485,000 लगभग के आसपास छत्तीसगढ़ जो है वो वन अधिकार पत्र वितरित किया जा चुका है। और प्रथम ऐसा शहर है जहां पर शहरी क्षेत्रों के लोगों को वन अधिकार दिया गया है। शुरुआत किया गया है 4 लोगों को देकर। कहाँ से किया गया है? जगदलपुर से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ताम्रध्वज साहू, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उमेश पटेल, भूपेश बघेल, कवासी लखमा? आंसर क्या होगा बताइए? भूपेश बघेल। क्यों? क्योंकि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन मुख्यमंत्री होते हैं। हालांकि चुनाव होता है लेकिन पदेन मुख्यमंत्री को ही इनका जो है अध्यक्ष चुना जाता है इस चुनाव में। और इससे पहले कौन इसके अध्यक्ष थे और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये भी कह सकते हो, डॉक्टर रमन सिंह। और दूसरे छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? भूपेश बघेल। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वसुंधरा सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता, समाज सेवा, गरीबी उन्मूलन या फिर खेल? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चलिए फटाक से बताइए। तो मैं बताता हूँ, पत्रकारिता के क्षेत्र में वसुंधरा सम्मान दिया जाता है। तो अभी हाल ही में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला वसुंधरा सम्मान किनको दिया गया है? तो सबसे पहले याद रखिएगा, ये 20वां वसुंधरा सम्मान है और ये दिया गया है ईवी मुरली को। ठीक, हमने पढ़ रखा है, बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। ईवी मुरली कौन है? तो अंग्रेजी एक अखबार के संपादक हैं। उस अखबार का नाम क्या है बताइए? हितवाद। चलिए क्लियर। ठीक है, एक एक दो दो पॉइंट मैं एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूँ ताकि जो आपका रिवीजन है वो बेहतर तरीके से होता रहे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए ये तो आप लोग आंसर कर ही सकते हो फटाफट। तो इसका सही जवाब होगा पहला। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के मामले में भारत में सबसे स्वच्छ राज्य जो है वो है आपका
छत्तीसगढ़। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 10 लाख जनसंख्या वाले नगरीय निकायों में से स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कितने छत्तीसगढ़ के निकाय शीर्ष 10 में सम्मिलित हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, आप कंफ्यूज हो सकते हो और आप गलत कर सकते हो, तो आप परीक्षा में गलत ना करो, इसीलिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो चलिए बताइए, 1 से 10 लाख जनसंख्या वाले सिर्फ टॉप 10 में छत्तीसगढ़ के कितने शहर शामिल हैं। तो 2 शहर शामिल हैं, कौन कौन सा? एक है आपका अंबिकापुर जो कि प्रथम स्थान पर है, और दूसरा है आपका राजनांदगांव जो कि 10वें स्थान पर है। ठीक, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और फुल डिटेल में कौन कौन सा छत्तीसगढ़ कहाँ कहाँ है वो मैं वीकली वाला सेशन में बता चुका हूँ, तो आप लोग बेहतर तरीके से वहाँ पर प्रिपेयर कर लीजिएगा उस वीडियो में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की पहली रक्षा श्रेणी के उद्योग की पहली इकाई किस जिले में स्थापित होगी? बिलासपुर, कांकेर, रायपुर या फिर दुर्ग? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा दुर्ग। दुर्ग जिले का बीरे भाट इस गांव का नाम है। यहां पर पहला जो है छत्तीसगढ़ का रक्षा श्रेणी का उद्योग स्थापित किया जाएगा, और जो हमारे सेना के लोग हैं उनके लिए यहां पर हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए समझौता भी किया गया है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, छत्तीसगढ़ से वर्ष 2020 के लिए कितने पुलिस अधिकारियों का चयन वीरता एवं सराहनीय सेवा पदक के लिए किया गया है? 10, 12, 14 या फिर 20? इसका सही जवाब है 14, जिसमें से 4 पुलिसकर्मी को जो है वो वीरता सम्मान दिया गया है, और 10 पुलिसकर्मी को जो है वो सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, और इनको सम्मानित कब किया जाएगा? 26 जनवरी को किया जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, तमोर पिंगला अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सूरजपुर, जसपुर, रायगढ़ या फिर सरगुजा? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो तमोर पिंगला अभ्यारण जो है आपका सूरजपुर में स्थापित है। 1978 में जो है इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 604 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और तमोर पिंगला अभ्यारण जो है वो किस लिए न्यूज़ में आया था? तो तमोर पिंगला अभ्यारण इसलिए न्यूज़ में आया था क्योंकि यहाँ 11वीं शताब्दी के किले की खोज की गई है हाल ही में, तो इसलिए तमोर पिंगला अभ्यारण याद आया ना, न्यूज़ में आया था। तो हमको सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि ये चीज़ कहाँ मिला, या करंट अफेयर, या सिर्फ डायनेमिक पार्ट नहीं कवर करना है, साथ में हमको स्टैटिक पार्ट भी कवर करते हुए चलना है, ताकि अगर वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी हमसे आसानी से बन सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने वाली शिक्षक किस जिले में पदस्थ हैं? शिक्षक दिवस 2020, यहाँ पर सम्मानित होने वाली छत्तीसगढ़ की शिक्षक होना चाहिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। छत्तीसगढ़ की एकमात्र शिक्षक हैं जिन्हें 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और टोटल देश भर में 47 शिक्षकों का जो है वो राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है, जिसमें से छत्तीसगढ़ की एकमात्र शिक्षक हैं जिनका नाम है सपना सोनी, ये रहने वाली हैं दुर्ग की, तो इनको जो है सम्मानित किया गया है आज के दिन ही, यानी कि 5 सितंबर 2020 के दिन ही शिक्षक दिवस के अवसर पर। और ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ की एकमात्र शिक्षक हैं जिन्हें कि इन 47 शिक्षकों में शामिल किया गया है, और इन्हें राष्ट्रपति की तरफ से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा ये किस जिले की है, और ये याद रखिएगा कि इस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो भौतिक विज्ञान की यह शिक्षिका हैं। ठीक, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 14, 22, 20, 18। हालांकि ये संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से रिलेटेड क्यों न्यूज़ में आया हम पढ़ चुके हैं। तो बताइए संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। यह न्यूज़ छत्तीसगढ़ में इसलिए आया था कि मॉनसून सत्र के दौरान, छत्तीसगढ़ विधानसभा का जब मॉनसून सत्र चल रहा था, तो छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सर्वसम्मति से एक जो है सरकारी यानी कि शासकीय संकल्प पारित
किया गया है, तो इसीलिए यह न्यूज़ में है। चलिए यहाँ पर आप लोगों के लिए एक प्रश्न है जो कि मैंने पहले भी बताया है और आप पहले भी पढ़ चुके हो। छत्तीसगढ़ी भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? और इसके अलावा ये भी बताइए छत्तीसगढ़ी राज्य भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये दोनों वन डे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसका जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आवेष्टित राज्यों के लिए जारी की गई निर्यात तत्परता सूचकांक में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये हमने लास्ट वीडियो में एनालिसिस किया था और मुझसे एक छोटी सी गलती भी हुई थी। ओवरऑल कैटेगरी में, यानी कि चाहे वो समुद्री क्षेत्र वाले राज्य हो गए, समुद्री किनारे वाले राज्य हो गए, या फिर लैंडलॉक स्टेट हो गए, उन दोनों के मामले में मैंने बताया था कि ओवरऑल रैंकिंग में छत्तीसगढ़ को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है, लेकिन आई थिंक छत्तीसगढ़ को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये इसका सही जवाब होगा। और लैंडलॉक यानी कि भू आवेष्टित राज्यों की सूची में इस सूचकांक में छत्तीसगढ़ 4थे नंबर पर है, ठीक है? याद रखिएगा और उसको सुधार लीजिएगा, 7वां नहीं 8वां होगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो तितलियों की विलुप्त प्रजाति स्पॉटेड एंगल को किस अभ्यारण्य में देखा गया है? कांगेर घाटी, तमोर पिंगला, घुमरदा या फिर भोरम देव? इसका सही जवाब जो होगा भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हाल ही में तितलियों की विलुप्त होती प्रजाति स्पॉटेड एंगल को देखा गया है। और इसके अलावा भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली को भी भोरम देव अभ्यारण में ही देखा गया है। चलिए अब यहाँ पर आप लोग बताइए कि भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा कौन से वर्ष में दिया गया? तो मैंने बोला ना, साथ में आप स्टैटिक पार्ट भी करते चलिएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कितने संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई है? बहुत विवादों में भी रहा यह नियुक्ति, इसलिए भी यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप बताइए कितने संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई है? 10, 12, 14 या फिर 15? तो छत्तीसगढ़ में 15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई है, ठीक है? संसदीय सचिवों का जो पावर होता है वो मंत्रियों के बराबर दिया जाता है, वो भी फैसले ले सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, उनको भी जो सुविधाएं दी जाती है मंत्रियों की तरह दिया जाता है, यह एक लाभ के पद के रूप में भी देखा जाता है, तो कई बार विवादों में भी रहा है। ब्रीफ में हमने एनालिसिस किया था, शायद पहला या दूसरा अगस्त वाला जो वीडियो था वीकली, उसमें, तो वहाँ जाकर आप उसे ब्रीफ में पढ़ सकते हो, ठीक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ का कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया है? मस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है छत्तीसगढ़ में खासकर इस तरह के क्वेश्चंस, तो ममता चंद्राकर, पुष्पराज साहू, तीजन बाई या जाकिर हुसैन? इसका सही आंसर होगा ममता चंद्राकर, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, छत्तीसगढ़ का जगन्नाथ पुरी किसे कहा जाता है? बताएंगे आप लोग, तुरतुरिया, शिवरी नारायण, रामाराम या फिर चंद्रपुर? सही जवाब होगा शिवरी नारायण को छत्तीसगढ़ का जगन्नाथपुरी कहा जाता है। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का जगन्नाथपुरी जो है वो शिवरी नारायण को कहा जाता है। और शिवरी नारायण चर्चा में क्यों है? क्योंकि शिवरी नारायण चर्चा में इसलिए है कि छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ के तहत प्रथम चरण में 9 स्थानों का चयन कर इनको विकसित किया जा रहा है, टूरिस्ट प्लेस के रूप में इसका विकास किया जा रहा है। और टोटल छत्तीसगढ़ में 75 ऐसे स्थानों का चयन किया गया है जहां ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम या तो अपने वनवास के दौरान यहां से गुजरे हैं या तो कहीं ना कहीं रुके हैं। तो इन 9 स्थानों का जो कि डेवलप किया जाना है, चयन किया गया है, इसमें से एक आपका शिवरी नारायण आ जाता है। तो इसीलिए शिवरी नारायण जो है वो चर्चा में आ जाता है और शिवरी नारायण को जो है छत्तीसगढ़ का जगन्नाथपुरी भी कहा जाता है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के कितने जिलों में कैंसर के इलाज हेतु दीर्घायु वार्ड की स्थापना की गई है? 8, 7, 9 या फिर 10? सही जवाब होगा 9। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में कैंसर से पीड़ित मरीजों के इलाज हेतु छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में दीर्घायु वार्ड की स्थापना की गई है। और ये 9 जिले किस प्रकार से हैं? तो ये 9 जिले हैं, रायपुर है, दुर्ग है, कांकेर है, जसपुर, कोंडागांव, कुरिया, नारायणपुर, बस्तर और सूरजपुर। इन जिलों का नाम आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ हज हाउस कहाँ स्थित है? इसे हाल ही में
स्थापित किया गया है आपका नया रायपुर में, ताकि हज यात्रियों को सुविधा दिया जा सके, वहाँ पर बेड का स्थापना किया गया है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का पहला भी ये हज हाउस है, कहाँ स्थापित किया गया है, तो आंसर इसका होगा रायपुर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ हेतु कितने स्थानों का पहले चरण के लिए चयन किया गया है। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो इसे फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रथम चरण हेतु चयन जो किया गया है वो 9 स्थानों का किया गया है, और इनको डेवलप करने की जो शुरुआत हुई है 9 स्थान है, क्लियर। अब 9 स्थानों में से इनका विकास का जो शुरुआत हुआ है वो कहाँ से हुआ है, इसका जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में दोगे। ठीक है, सारी चीज़ों को रिवाइज़ करना है, सारी चीज़ों को रैपअप करना है, याद करना है, तो आपको यहाँ पर याद करने की कोशिश करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में ग्रामोद्योग प्रक्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। हाल ही में ये अनाउंस किया गया है, ये है आपका 3, जिसमें पहला है आपका कोंडागांव, दूसरा है आपका दुर्ग, और तीसरा है आपका सुकमा। खासकर यह ग्रामोद्योग प्रक्षेत्र जो होंगे वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो है वो बढ़ावा देने का काम करेंगे। ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान विमोचित की गई पुस्तिका कह लो या किताब कह लो, इसका नाम क्या है, बताइए। विधायिका, विधायक, विधान मत या फिर विधायन, इसका सही जवाब होगा विधायन। इसकी जब छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ था तो 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी इस पत्रिका का। यह जो पत्रिका है एक त्रैमासिक पत्रिका है, यह पत्रिका जो है शोध पर आधारित होता है, और 2020 में जारी यह पत्रिका जो है वो पर्यावरण के विषय पर फोकस किया गया है इसमें। ठीक, तो इस तरह से इसका नाम आप लोग याद रखिएगा और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, माचो जज की माचो अस्पताल अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई है। इस अभियान को कोंडागांव जिले में शुरू किया गया है, गर्भवती महिलाओं के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई मासिक पत्रिका का नाम क्या है। ठीक, कपसप, गुपचुप, गुरतुर गोट, गोलमोल, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा गपसप। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में जो है एक ऑनलाइन पत्रिका का जो है वो विमोचन किया गया है, जिसका नाम है गपसप। इसके माध्यम से जो है कौशल विकास कर सकते हैं छात्र। कौशल विकास कहने का मतलब ये है कि वो अपने अंदर शिक्षा का विकास कर सकते हैं, अपने अंदर मनोविज्ञान का विकास कर सकते हैं, अपने अंदर स्किल को डेवलप कर सकते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं। इसको हाल ही में कोविड-19 का जो सिचुएशन चल रहा है, इस वजह से ऑनलाइन एक पत्रिका लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है गपसप। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदलपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। महामाई नाम, शारदा माई, दंतेश्वरी माई या सरना देवी, तो सिंपल सा आंसर है दंतेश्वरी माई के नाम पर रखा गया है। दंतेश्वरी माई का जो मंदिर है कौन से जिले में स्थित है आपको पता है, दंतेवाड़ा में स्थित है। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ जीएस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी, बहुत सारी चीज़ें माइंड में भी आ रही होंगी। दंतेश्वरी माई का नाम जैसे ही याद आया, तो जो हमारे देश में हिंदू मान्यताओं के अनुसार माताओं का जो टोटल पीठ है वो 51 माना गया है शक्तिपीठ, और छत्तीसगढ़ में ऐसी मान्यता है कि 52वां पीठ जो है वो दंतेश्वरी माई का दंतेवाड़ा में स्थित है। तो इस तरह से कुछ कुछ पॉइंट्स को आप लोग यहाँ पर रिकॉल कर सकते हो। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांकेतिक बैलों की दौड़ किस त्यौहार पर कराई जाती है। हरेली, पोलापोरा, पोला को पूरा भी कहा जाता है, बुआखाई या फिर कमर छठ, इसका सही जवाब होगा पोला। इस अवसर पर जो है वो बैलों का दौड़ करवाया जाने का एक परंपरा है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ का पोला तिहार जो है मुख्य रूप से खेती से जुड़ा हुआ यह तिहार है। और इस त्यौहार के अवसर पर बच्चे जो हैं मिट्टी के बैल ये सब बनाकर खेला करते हैं। तो याद रखिएगा पोला तिहार के बारे में एक जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है कि छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध या पोला या फिर पूरा त्यौहार जो है कब मनाया जाता है, इसका जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में करिएगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में, तो आपको याद भी हो जाएगा, रिकॉल भी हो जाएगा, तो इसका जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी लारा यूनिट किस जिले में स्थापित है। सरगुजा, कोरिया, जसपुर, सरगुजा, जगदलपुर, यहाँ पर जसपुर को काटिए और रायगढ़ इसका आंसर लीजिए। ठीक है, क्योंकि चारों ऑप्शन जो है वो गलत डाला हुआ है, तो यहाँ पर शायद टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है। तो एनटीपीसी लारा का जो यूनिट है
वो आपका स्थापित किया गया रायगढ़ जिले में। इसके अलावा एनटीपीसी के अंश संयंत्र अगर छत्तीसगढ़ में पूछा जाए तो एक आपका कोरबा जिले में है, कोरबा का एनटीपीसी, और दूसरा जो है आपका बिलासपुर सीपत में स्थित है। सबसे पुराना छत्तीसगढ़ का जो एनटीपीसी का यूनिट है वो आपका कोरबा जिले का है, उसके बाद सीपत आ जाता है, उसके बाद रायगढ़ के लारा में आपका स्थापित किया गया है। यहाँ पर आपको 1800 मेगावाट का संयंत्र जो है स्थापित किया गया है एनटीपीसी की तरफ से, ठीक है। एनटीपीसी का मतलब क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक। तो ये था हमारा आज का एमसीक्यू बेस्ट पर, जितने भी अगस्त महीने के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आपसे करवाया। इसके अलावा आप लोग वीकली सेशन रेगुलर देखते रहिएगा, हम उसको ब्रीफ में एनालिसिस करते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं या फिर जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सबके लिए वीकली सेशन को कवर करते चलिएगा साथ में, और महीने के अंत में पूरा हम लोग रैपअप कर लेंगे एमसीक्यू बेस्ट पे, ताकि फटाफट उसको हम लोग रिवाइज भी कर सकें। एमसीक्यू सिर्फ प्रीलिम्स या वन डे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वन डे एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट होता ही है, साथ में अगर आप मेंस की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो जितने भी एमसीक्यूज होते हैं और जो मैं यहाँ पर उससे रिलेटेड अभी जो आंसर में कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ या जो पॉइंट्स बता रहा हूँ जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अगर आप मेंस वाले स्टूडेंट भी हो जो मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो आपका भी वहाँ पर रिविज़न हो जाएगा। और अगर कोई स्कीम आ गया, कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जिसका वैल्यू एडिशन कर सकते हो, तो भी आपके दिमाग में रह जाएगा, वो चीज़ें याद रह जाएंगी। तो इस तरह से आप लोग वन डे एग्ज़ाम के लिए भी, ये लास्ट वाला आधा घंटा का ज़्यादा से ज़्यादा का वीडियो होगा, तो आप लोग महीने का पूरे करेंट अफेयर को रैपअप एक बार इसके माध्यम से कर सकते हो। तो ये हमारा अब महीने के अंत में एमसीक्यू बेस्ड पे चलेगा। इसके अलावा नेशनल करंट अफेयर में भी कोशिश करता हूँ कि इसी तरह से सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहूँ, चाहे नेशनल करंट अफेयर का वीकली हो गया या फिर एमसीक्यू बेस्ड पर हो गया, तो उसे भी कवर करवाते रहूँगा। वीडियो पसंद आने पर आप लोग लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।